अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपका होस्ट उमर लजनी आपके सामने फिर से एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके, बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके। अभी यहाँ पे पानी का बहुत शोर आ रहा है, मे भी इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो आज मैं आपको, घर पे तो होता नहीं हूँ मैं, घर पे वीडियो बना लेता अच्छी तरीके से, तो इन्हीं नज़ारों में वादियों में घूमता रहता हूँ, ठीक है। और एक बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा उसका व्यू अगर आप देख पाओगे। तो ये रहा, बहुत ही बढ़िया है ये यहाँ पे नज़ारे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये वादिया, बिल्कुल। आज मैं आपको बताऊंगा भाई, कबूतर के जो अंडों में पानी होता है वो क्यों होता है और उसको पानी होने से कैसे बचाए हम, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी जगह चेंज कर लेता हूँ अपनी ताकि आप मुझे देख पाओ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊंगा आज कबूतर के अंडों में जो पानी होता है वो क्यों होता है और उसकी वजूहत जो क्यों होता है और उसको रोकने का तरीका। पहले तो मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको, जो कबूतर हमारे अंडों में पानी होता है वो आमतौर पर जो ब्रीडर पेयर होते हैं हमारे, तो ब्रीडर पेयर्स में होते हैं। तो ब्रीडर पेयर में क्यों होते हैं? रीज़न नंबर वन, आइदर जो नर और मादा है उनका जो मेटिंग मेट करने का एनवायरनमेंट है ना वो नहीं है। मीन्स कि अगर नर और मादा मेट कर रहे हैं तो वहाँ पर एनवायरनमेंट इन द सेंस कि आपका जो लॉफ्ट है उसमें जगह नहीं है मेट करने के लिए, जो नर है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा मेट, या जो नर के उस केज में 5-6 नर और एक्स्ट्रा हो जो उसको नर को मेट करने नहीं देते हैं, तो उसे क्या होता है भाई मेरे, उससे जो एग्स है फर्टाइल नहीं होते हैं। तो मादा अंडे डालती है, कभी कभार एक ही अंडे में पानी होता है, कभी कभार दोनों अंडों में पानी होता है। हो गया ये रीज़न नंबर वन अंडे में पानी होने का। तो दूसरा रीज़न अंडे में पानी होने का ये है कि नर से नर जो है उसको आपने बहुत सारे, मतलब उसको कमज़ोरी आ गई है। कमज़ोरी कैसे आ जाती है? आप क्या करते हैं, हम किसी ब्रीड में कंटिन्यूसली बच्चे लेते हैं। देखो भाई, हम अंडे रखते हैं कबूतर के नीचे, रखे दो अंडे, ठीक है। कभी कभार हम शिफ्ट करते हैं वो अंडे किसी दूसरे पेयर के नीचे ताकि वो अंडा, वो पेयर दोबारा अंडा डाले, लेकिन वो पेयर नहीं करना चाहिए ऐसे, मतलब वो ऐसे शिफ्ट नहीं करने चाहिए। शिफ्ट अगर आप करें तो कम से कम जिस जहाँ से आप उठा रहे हो, जिनको आप जिस पेयर के अंडे आप उठा रहे हो, दूसरे पेयर के नीचे रख रहे हो, जिसके आपने उठाए अंडे उसके नीचे कम से कम खराब अंडे दो रख दो, कम से कम 10 दिन उसको 10 दिन बैठने दो। क्योंकि अगर आप 10 दिन बैठने नहीं देते हो तो जो मादा का जो अंदर का फर्टिलिटी होती है उसकी वो कम हो जाती है, इवन नर की भी, क्योंकि उनको रेस्ट नहीं मिलता है, वो कंटिन्यूसली मेट करेंगे फिर, तो उसकी वजह से भी फिर अंडों में, नर में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर नर के अंडों में पानी हो जाता है। और एक रीज़न है अंडों में पानी होने का कि नर बूढ़ा हो गया। तो बूढ़े से कुछ नहीं होगा, मेरे पास अभी 16 साल का एक नर है, वो अभी भी अंडे दे रहा है और फर्टाइल अंडे दे रहा है। तो उसको क्या करना होता है उसका भी मैं बताऊंगा। अब ये एक तो हो गया ये अंडे में पानी होना, दूसरा हो गया मादे अंडे नहीं डालती है। तो मादे अंडे क्यों नहीं डालती है, इसके भी रीज़न है, दो रीज़न। पहला रीज़न ये है, मादा बूढ़ी हो गई है, वही मैंने जो रीज़न बताया, आप अंडे उठा रहे हो मादा से, अब शिफ्ट कर रहे हो, फिर उसको दोबारा जो कंटिन्यूसली मादा अंडे डाल रही है, जो कंटिन्यूसली आप इसे अंडे ले रहे हो, तो उससे क्या हो जाता है, कंटिन्यूसली अंडे लेने से उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर अंडे डालना बंद कर दिए। हाँ, साल में कभी एक बार अंडे डालती है, एक अंडा या दो अंडे, और वो सीधे घास पे बैठ जाती है। तो ये रीज़न है इसके। अब मैं आपको दवाई बताऊंगा। दवाई क्या है, अगर आपको लग रहा है कि पानी हो रहा है अंडों में तो आप सीधे करोगे काम, आपको पता चल गया आप अंडे डाल रही है मादा लेकिन पानी हो रहा है, तो नर में प्रॉब्लम है। सो यू विल डू वन थिंग, यू विल बाय अ मेडिसिन दैट विल बी इजीली अवेलेबल इन एनी मेडिकल शॉप, दैट इज़
सी कॉड ऑयल जिसे मछली की तेल की गोली बोलती है, और एक कैप आती है इवियन इवियन 250 तो ये आप कबूतर को दोगे, नर और मादा को दोनों को 10 दिन तक कंटिन्यूसली एक एक कैप्शन, एक दिन इवियन, दूसरे दिन सी कॉड ऑयल, एक दिन इवियन, 10 दिन हो गए, इसको 10 कैप इसके, 10 कैप इसके, इसको भी 10 10 हो गए, इसको 20 कैप देने कैप्सूल देने, और इसको 20 कैप, फिर आप 5 दिन रेस्ट करोगे, ठीक है, 5 दिन के बाद और 5 5 कैप्सूल्स दोगे आप खाली, लेकिन सी कॉड ऑयल के, ठीक है, 5 5 कैप्सूल्स डेली शाम शाम को एक एक कैप्सूल, लेकिन इन 15 20 दिन या 25 दिन जितने में कोर्स चलेगा आपको, आपको नर और मादा को अलग रखना है, न कि मादा को किसी नर के पास रखना है, न कि नर को किसी मादा, मतलब दे शुड बी ईगरली वेटिंग फॉर मेटिंग, मतलब उनमें इतनी तड़प होनी चाहिए, फिर उनको इस एनवायरनमेंट में डालो जहाँ पे वो अलग हो आराम से, जो वो आराम से मेट कर सके, तो इंशाल्लाह आप देखो ऊपर वाले के फजल से ये पानी अंडों में पानी होने की बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, और मादा जो अंडे नहीं डालती है वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी ख़त्म, ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला आप अपने लॉफ्ट में मिट्टी रखो, कैल्शियम रखो, कैल्शियम सोर्स ऑफ कैल्शियम रखो, ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, अभी मैं इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा, कल या परसों मैं वीडियो बना रहा हूँ, घर पे होऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि अपने कबूतर के जो ब्रीड है वो आप कैसे बढ़ाओगे, मीन्स कि अपने कबूतर के अंडे आप जंगली कबूतर के नीचे कैसे रखोगे, और तरीका क्या है, और कैसे उन जंगली को आप पेट बना सकते हो, ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, बी सेफ, और हाँ मेरे भाई, मेरा एक भाई मुझे कमेंट किया था, मेरे भाई ने कि होस्ट तो एक ही है लेकिन बाकी सब कॉपी पेस्ट है, उसको मैं आई वांट टेल यू वन थिंग मैन, वी डोंट कॉपी ओवर हियर मैन, इट्स माय ओन नॉलेज व्हाट आई एम शेयरिंग राइट नाउ, मे बी दिस विल बी द सेम, बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने मेरे को भी लगेंगे, आपके जो होस्ट है उसको भी लगेंगे, मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा उसमें, समझ आया भाई, तो कॉपी पेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है, कॉपी पेस्ट की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं, ठीक है, हाँ जो इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगती है, मेरे फ्रेंड है भाई, फ्रेंड भी कहूँगा उस्ताद भी कहूँगा, तो मेरे फ्रेंड है भाई रॉजर सॉन्डू, उसका तो वीडियो आप देखते होंगे, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, ही इज़ माई इंस्पायरेशन इन मेकिंग दीज ऑल वीडियोज़, सो भाई अस्सलाम वालेकुम आपको मेरी तरफ से, और वेयर एवर यू स्टे, स्टे healthy and my prayers are always with you my friend, take care my friends, subscribe kar rahe ho aap meri channel, mujhe bahut bahut khushi ho rahi hai, keep subscribing man, and aapka jo bhi kaho yaar, do whatever you want to do yaar, aap baaki to aapko samajh aa hi gaya, do double and do trouble, but don't trouble your mother man, because mother maa hoti hai bhai.